हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक छोटे से ब्लॉग में। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, फिलहाल तो प्रतिदिन अच्छा ही मौसम है। चलिए, आज मैंने साड़ी पहन रखी है और चलिए किचन में चलते हैं। फिर अभी मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है और अब मैं सोच ही रही थी क्या बनाऊँ। तो आज संडे है तो कुछ अपनी बेटी के लिए स्पेशल बनाऊंगी, उसको बहुत पसंद है ये चीज़। तो चलिए, ये है सूजी और बारीक है पर ज़्यादा बारीक नहीं है, इसलिए मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ा सा ग्राइंड मतलब इसमें कुछ डालूँगी नहीं, बस ऐसे ही ग्राइंड कर लूँगी। और इसको थोड़ा सा अच्छे से, ये देखिए ये थोड़ा सा और बारीक हो गई, मुझे इसको और बारीक करना था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा और बारीक कर लिया। तो अब इसको मैं कटोरे में डाल देती हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, मेरी बेटी को जितना पसंद है मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ, नहीं तो वो खाती नहीं है। अब मैंने इसको इसमें डाल दिया है बाउल में। अब मैंने दही जमाई थी पर वो जमी नहीं थी अच्छे से, इसलिए मैंने बाहर से दही मंगवाई और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून दही डाल दिया। और अब इसको मैं पानी डालूँगी इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालूँगी, नहीं तो गीला ज़्यादा हो जाता है। जितना जितना पानी की ज़रूरत लगेगी उसी हिसाब से मैं इसमें पानी डालती जाऊँगी। और मतलब ठीक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए उसी हिसाब से मैं डालूँगी पानी इसमें। अभी ठीक है, अभी इसको जब मैं रेस्ट पे रखूँगी तो ये थोड़ा सा फूल जाएगा। अब इसको मैं रेस्ट पे रखती हूँ 5 मिनट के लिए, तब तक मैं अपना और सारा काम कर लेती हूँ, जैसे अनियन कट करना। अभी अनियन कट करती हूँ मैं। अनियन को छील लिया है और अब इसको कट कर लूँगी छोटे छोटे, एकदम छोटा छोटा बारीक बारीक कट कर लूँगी। फ़िलहाल तो मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि मेरी बेटी को प्याज नहीं पसंद है, लेकिन थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ। तो अभी मैं इसको अच्छे से कट कर लूँगी। आप इसको जितना भी चटपटा बनाना चाहें उतना बना सकते हैं, क्योंकि ये खाती नहीं है ज़्यादा चटपटा। तो अभी मैं इसको एकदम बारीक बारीक कट कर लूँगी। अब मैं टमाटर भी कट कर लूँगी, क्योंकि टमाटर अच्छा होता है बच्चों के लिए। अभी इसको मैं बढ़िया से कट्टू कर लूँगी, छोटा छोटा एकदम पीसेस। अब सारे अच्छे से मैंने इस सारे टमाटर को अच्छे से कट कर लूँगी, मैंने एक ही टमाटर लिया है वैसे। अब इसको अच्छा सा एकदम बारीक बारीक कट करके इसमें, अगर आपके पास धनिया है तो आप धनिया भी डाल सकते हैं। बाकी मैंने बताया था कि मैं बारिश में धनिया नहीं यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं कैंची से ही मिर्ची कट करती हूँ, क्योंकि मिर्ची हाथ में लगती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसमें इतना भी था, मैंने सारा भी निकाल दिया। और अब इसको फिर से एक बार 5 मिनट के लिए रखा था, अभी एकदम बराबर हो गया है। ये बहुत ज़्यादा थिक है तो इसमें मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और इसको ठीक से मिक्स कर लेती हूँ। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, ना नमक ना जीरा, कुछ भी नहीं। ये अच्छे से हो गया है मिक्स। अब मैं इसको इसी में सारा प्याज अनियन ये सारा कुछ इसमें ही मिक्स कर लूँगी। और अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी। अभी भी ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, लेकिन देखती हूँ अभी इसमें नमक, अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देना। मैं और भी चटपटा इसको बना सकती थी, लेकिन मेरी बेटी खाएगी तो इसलिए मैं ज़्यादा चटपटा नहीं बना रही। मेरे हस्बैंड को भी तीखा थोड़ा कम पसंद है, इसलिए 2 ही मिर्च डाली है और कोई मसाला नहीं डालूँगी। आप चाहिए तो मसाला इसमें डाल सकते हैं, जैसे चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर
और भी जो आपको समझ में है वो आप डाल सकते हैं, और भी अच्छा लगेगा। मैंने इसमें कोई सोडा वोडा नहीं डाला है, ये अब इसी में अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी, क्योंकि थिक ज़्यादा था तो इसलिए मैं इसमें और पानी मिक्स करूँगी। अब ये हो गया है सेट, इसको ढक करके 2 मिनट के लिए मैं रखती हूँ, तब तक मैं इसका तड़का बनाती हूँ। जी हाँ, तड़का इसमें लगेगा, तड़का ये मेरी फ्राई करने वाली कटोरी। अभी इसमें मैं डालूँगी राइस ब्रेन ऑयल, मैं वही यूज़ करती हूँ और मैं इसका कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ। ये मैंने इसमें डाल दिया जीरा, आप चाहें तो लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, और ये मैंने डाल दिया राइस और गैस कर दिया बंद। अब ये अच्छे से चटक जाएगी, अब मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बताया मैंने मेरी रूटीन में खा पाती है। अब ये देखने में ही एक नंबर लग रहा है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करके चलिए बनाते हैं। हल्का सा ऑयल लगाया और अब बना रही हूँ। ये थोड़ा सा मोटा ही बनाऊँगी, क्योंकि इसमें अनियन और टमाटर पड़े हैं तो ये ज़्यादा फैल नहीं सकता है, उसको ऐसे ही बनाऊँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर से चाट मसाला डाल सकते हैं। ज़रा सा ऑयल ऊपर डाल देंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा बने, क्रंची क्रंची। उसको ढक करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। आप देख सकते कितना प्यारा बन गया, इसको अच्छे से और ये बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आप इसको प्लीज़ बनाइए और खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। अब देख सकते हैं बहुत अच्छे से सीख गया है, अब ये नीचे से भी बहुत अच्छे से सीख गया है। ये बहुत अच्छे से हर चीज़ बढ़िया हो गया, एकदम सीख गया है। अब इसको मैं अच्छे से सेक कर अब इसको प्लेटिंग करती हूँ, और इसको मैं हम लोग ऐसे ही खाते हैं चाय के साथ, चटनी नहीं यूज़ करते हैं।